गुड इवनिंग एसएससी सीजीएल के सभी एस्पायरेंट्स का मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार आप भारत सरकार की उस सेवा में जा रहे हैं जिसे मिनी आईएएस कहा जाता है, वो सर्विस जिसके लिए एस्पायरेंट्स में ज़बरदस्त क्रेज है। वजह जानते हैं ऐसा क्यों है? वजह है अच्छी खासी सैलरी, बेटर जॉब प्रोफाइल, सोशल स्टेटस और वो सारी सुख सुविधाएं जिसकी आप जीवन में कल्पना करते हैं। इसी क्रम में मैं आज एसएससी सीजीएल की उस पोस्ट की बात करूंगा जिसे एसएससी सीजीएल की मोस्ट ग्लैमरस पोस्ट माना जाता है। और सीजीएल के टॉप रैंकर्स ही उस पोस्ट को अचीव कर पाते हैं। इस पोस्ट को अचीव करने के बाद आपका सोशल स्टेटस, लाइफ स्टाइल, वर्क कल्चर, सोशल नेटवर्क और लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ बदल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी पोस्ट के बारे में, उसके जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पोस्टिंग और मिसलिनियस फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करती है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं जिस पोस्ट की बात कर रहा था वो पोस्ट है विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में नौकरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और वह भी अधिकारी के पद पर। यद्यपि आप इस पोस्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात आप नोट कीजिए, फॉरेन कंट्री में आपकी पोस्टिंग होगी। ज्वाइनिंग के 1 से 2 वर्ष के बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग का चांस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मंत्रालय द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कंट्री में पोस्टिंग चाहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए कि आप वो उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए और इसके लिए एक टेस्ट होगा जिसको क्लियर करने के बाद आपको उस कंट्री में पोस्टिंग मिल जाएगी और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आइए दूसरी बात। दूसरी बात है वाइट पासपोर्ट। फॉरेन कंट्री में पोस्टिंग के दौरान आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वाइट पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आपकी पोस्टिंग जिस भी कंट्री में होगी वहाँ अगर आपके पास वाइट पासपोर्ट है तो आपको वहाँ कोई टच भी नहीं कर सकता है। आप वहाँ विशिष्ट सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ आप एक देश, एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, एक देश, एक राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और आप अपने देश के लिए काम कर रहे होते हैं। तीसरी बात, एकोमोडेशन की बात करते हैं, आवास आपको कैसा मिलेगा। जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग जिस भी कंट्री में होगी वहाँ पर आपको फुल्ली फर्निश्ड एकोमोडेशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, फुली फर्निश्ड एकोमोडेशन, आपको सुई भी नहीं खरीदनी पड़ेगी और उस एकोमोडेशन में जो फैसिलिटीज़ होंगी वो 5-स्टार होटल के फैसिलिटीज़ के इक्विवेलेंट होंगी। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो टॉप लेवल स्कूल्स में उनका एडमिशन होगा और टॉप लेवल मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल होंगी। चौथी चीज़, आपको उस कंट्री में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है
वहाँ पर आपको हाई लेवल सिक्योरिटी अवेलेबल कराई जाएगी। जिस दूतावास में आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर बिना परमिशन किसी की एंट्री भी नहीं हो सकती है। और सबसे आखिरी बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, आप ये सोचते हैं कि आपकी लगातार पोस्टिंग जो है वो या तो दिल्ली में होगी या फॉरेन में होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पोस्टिंग आपके होम टाउन में भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। कई पासपोर्ट ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया होते हैं जिनमें अगर जगह खाली है तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही पोस्टिंग की जाती है। अगर आपके होम टाउन में कोई पासपोर्ट ऑफिस है और वहाँ पर पोस्ट वैकेंट है तो आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। इसलिए ये बात अपने आप में गलत है कि आपको सारी ज़िंदगी दिल्ली में ही नौकरी करनी है या सारी ज़िंदगी विदेश में ही नौकरी करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सैलरी और अन्य बातों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब प्रमोशन और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो एएसओ का पहला प्रमोशन 9 से 12 साल के बीच में सेक्शन ऑफिसर के पद पर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो है 8 साल के बाद लगभग अंडर सेक्रेटरी के पद पर होता है, और इसके 2-3 साल के बाद जो है आईएफएस कैडर जो है वो अलर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन डिप्टी डायरेक्टर या सेक्रेटरी का है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो डायरेक्टर का होता है। अब आइए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो आज की डेट में जो है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपको दिल्ली में ज्वाइन करते ही तुरंत आपको फुली एकोमोडेटेड आवास जो है वो मिल जाएगा। दिल्ली में चाणकपुरी या द्वारका में मिल जाएगा, क्योंकि इस पोस्ट पर जो काम करते हैं वो उनकी अमूमन पोस्टिंग जो है वो फॉरेन में ही रहती है, तो आवास जो है वो खाली मिलते हैं। तो पहला जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये कि आपको आवास तुरंत मिल जाएगा, आवास के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है कि सैलरी अप्रॉक्सीमेट आपको 65,000 प्लस मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फॉरेन अलाउंस, ये 1800 से 2900 यूएस डॉलर्स के आसपास मिलता है। ये कंट्री टू कंट्री डिफ़र करेगा, और इसी के साथ साथ हीट या कोल्ड अलाउंस 400 से 600 डॉलर के आसपास मिलता है, और भी अलाउंसेज हैं। सब अगर जोड़ लिया जाए तो 3,000 से 3,500 अमेरिकन डॉलर्स जो हैं वो मिलते हैं अलाउंसेज के रूप में। अब अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो आपका इंडियन करेंसी में जो है ये 245,000 रुपये के आसपास बैठता है। तो इस तरह से आपको जो है सैलरी और अलाउंसेस कुल मिला करके जो है वो 3,00,000 प्लस जो है ये 2 साल के बाद मिलता है। सबसे बड़ी इसकी और सुविधा आपको मैं बताऊं कि वो है फ्री ट्रेवल इन इकोनॉमिक क्लास। आप किसी भी जो है फॉरेन लोकेशन पर इकोनॉमिक क्लास में आपको ट्रेवल करने का विद फैमिली फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और विदेशों में आपकी पोस्टिंग रहती है, हर 3 साल के बाद आपकी जो है पोस्टिंग बदलती रहती है, कंट्री बदलती रहती है। आप एक कंट्री में 3 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद दूसरी कंट्री में। तो अगर आप विदेश भ्रमण के चाहते हैं, शौकीन हैं, तो और सारी सुख सुविधाएँ और प्लस जो है सोशल स्टेटस चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पोस्ट में अवेलेबल हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।